मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी अजनबी से मदद लूंगा, वो भी एक ऐसे अजनबी से जो उम्र में मेरी बेटी जितनी हो। कमाल है, मैं अपनी जिंदगी का गम तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। आपको याद है आपने उस दिन क्या कहा था? जो गम हम किसी अपने के साथ नहीं बांट सकते, उसे किसी अजनबी के साथ बांट लेना चाहिए। आजकल आए दिन दोस्त अजनबी बनते जा रहे हैं, तो फिर क्या अजनबी दोस्त नहीं बन सकते? बातें बहुत समझदारी की करती हूँ। मैं काम भी समझदारी के करती हूँ, तभी तो आपसे मिलने यहाँ आई हूँ। अब देखिए ना, आज मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, कल जरूरत पड़ने पर आप मेरी हेल्प कर देना, सिंपल। वैसे एक बात बताइए, आपने मुझसे दोस्ती क्यों की? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें मिलकर एक सुकून मिला मुझे। But you know what? आपको असली सुकून उनसे मिलेगा जिनसे मिलने आप मजार में आए थे। Right. लेकिन क्या करें, वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। It's okay. अच्छे दोस्त जितने मर्जी नाराज हो, एंड में मान ही जाते हैं, ट्रस्ट मी। कुछ और बताइए ना उनके बारे में। मेरी बीवी दिल नो नेम। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम आपस में अगर बात नहीं भी करते थे ना, तो भी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे। बस खामोश रहकर आंखों से समझ जाते थे कि अगला क्या कहना चाह रहा है। सब कुछ शेयर करते थे, अपने ख्याल, अपने ख्वाब, जोक्स, म्यूजिक सुनते थे एक साथ। पता है, हमारी पहली मुलाकात भी एक सिंगिंग कंपटीशन में हुई थी। Good. Really? मैं अपने कॉलेज के फेस्टिवल में बहुत अच्छा रोमांटिक गाना गा रहा था। अल्लाह मियां, कॉलेज फेस्टिवल? How can I forget that? मुझे भी कॉलेज फेस्टिवल में जाना है। तुम कॉलेज में पढ़ती हो? मैं नहीं पढ़ती हूँ। उस दिन मैंने वो खानदानी खड़ूस के बारे में बताया था ना, उसकी एक बहुत ही क्यूटी पाई सी बहन है, उसके कॉलेज के फेस्टिवल में जाना है। I'm so sorry दोस्त, अभी मुझे जाना होगा, हम फिर कभी मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो सरासर नाइंसाफी है, अब मैं फैशन शो कैसे देखूंगा यार? मिस जोया मिस हो गई यार। ये क्या बेहूदी टी शर्ट है? हाँ जोया, एक इनडिसिप्लिन एक्ट को आप लोग हीरोइक एक्ट का दर्जा दे रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जिसे आप लोग हीरोइन बना रहे हैं ना, उसकी अब इस कॉलेज में एंट्री भी नहीं होगी। अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूँ कि आप नजमा और उसके कॉलेज से दूर रहें। तो बाद में कॉलेज आओगी ना? कल के बाद मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है, भाई जान से भी नहीं कह सकती।
देख के नहीं चल सकती क्या? देख के तो तुम भी नहीं चल रही थी। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम मुझे कहीं ना कहीं जरूर मिलोगी। आज देखता हूँ बच के कैसे जाती हो तुम। रियली व्हाट अबाउट यू? हाँ, कह दूँ यहाँ सबको कि ये जनाब बुर्का पहनकर बिना आईडी के इलीगल कॉलेज में घूम रहे हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। अभी बोलती हूँ। जल्दी कीजिए क्योंकि शो स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, इसीलिए आप सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। बाजी, ये आप दुपट्टा ऐसे कैसे पहन रहे हैं? वो ऐसे ड्रेस पहनने की आदत नहीं है ना, रैंप पे चली जाऊंगी ना तो उतार दूंगी। ठीक है हुमैरा, ऑल द बेस्ट। हाँ बाजी। अच्छा हम चलते हैं। जी कुछ नहीं होगा। ऑल द बेस्ट बाजी। चलो चलो। डू वेल। बाय बाय। कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि उन लड़कों ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया ना? नहीं, that's good. फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो तुम? सोया, शायद आप भूल रही हैं। लास्ट टाइम जब मैंने स्कर्ट पहनी थी, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अगर मैं रैंप पर चली गई ना तो कहीं आपको उम्र कैद की सजा ना हो जाए। ओह कम ऑन नजमा, देखो रहने दो ना। वैसे भी लास्ट वीक से मैंने 765 ग्राम्स ऑलरेडी पुट ऑन कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि मैं बेबी एलिफेंट बनके रैंप पर चढ़ूं, सो प्लीज। कहीं ये वही इडियट तो नहीं? कहीं इसने प्रिंसिपल से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? नजमा वेट, हाँ मैं अभी आती हूँ। प्लीज आप, प्लीज प्लीज। हाय गाइस एंड गर्ल्स। सोया आप बिना आईडी के अंदर कैसे आ गए? तुम तो जानती हो कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ, किसी के रोके से भी नहीं रुकता। बिल्कुल सही कह रहे भाईजान, आप तो अपने रोकने पर भी नहीं रुकते। नुसरत, तुम्हें पता है कल भाईजान साइकिल चला रहे थे और चलाते चलाते दीवार में ही टकरा गए। होता है होता है। वैसे हुमैरा कहाँ है? सरप्राइज है। हुमैरा और सरप्राइज? आज तक जिंदगी में मुझे तो कभी सरप्राइज दे नहीं पाई, अब क्या देगी? मेरे बर्थडे पर भी मुझसे पूछ के सरप्राइज गिफ्ट खरीदती थी। लगता है वो चली गई। कौन भाईजान? वो सोया नहीं आई क्या? ओफो भाईजान, आप स्टेज पर देखिए ना, और भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें देखने के लिए। अल्लाह कितने लोग हैं यहाँ, लेकिन वो कहाँ है जिनके लिए मैं सब कुछ करने जा रही हूँ? गर्ल्स 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 रेडी? आप सारे लोग तैयार हैं ना? शो सिर्फ एक मिनट में स्टार्ट होने वाला है। सारे लोग रेडी है ना? कम ऑन फास्ट। हमारी ओर से अंदाजन 500 मेहमान आएंगे, क्यों ठीक है ना? 30-40 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओहो भाभी, तब तो आपने बिल्कुल सही कहा था, हसीना भी पूरे मोहल्ले को बारात में लेकर आएंगी।
अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमारी शीरीन तो बहुत सीधी है हसीना, क्या करे बेचारी, हर बात का गलत मतलब ही निकालती है। अरे हमने तो ये कहा था कि हसीना की इतनी इज्जत है कि उसकी खुशी में सारा मोहल्ला शरीक होना चाहेगा। सच? अच्छा बताओ हसीना, सगाई की तारीख सोची क्या? सगाई तो बाद की बात है, पहले महफिले सौगात होगी भाई, ताकि दुनिया वाले देखे हमारी दुल्हन क्या खाट से क्या क्या लेकर आई है। हसीना भी इस फंक्शन को मेरी सालगिरह की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के दिन रखें तो? ओह, सरप्राइज पार्टी? जी, लोग महफिले सौगात के लिए आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मेरी सालगिरह की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। सोचिए कितना सरप्राइज हो जाएंगे। पर श्रीन, तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में तो तुम्हें ही सरप्राइज होना चाहिए ना। ओहो, है भाभी? अरे अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। अब शीरीन, मुझे सरप्राइज से याद आया कि सरप्राइज पार्टी में तो हमको इमरान मियां को सरप्राइज देना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। तो हसीना बताओ ना, अब हम इमरान मियां को क्या तोहफा दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। अब उसकी क्या जरूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जरूरत तो नहीं है हसीना भी, लेकिन जो रस्में हैं उन्हें निभाना तो पड़ेगा ही। अब अगर हम लोग अपनी तरफ से कुछ लेकर आ जाएं और वो पसंद ना आए, तो इससे बेहतर यही है कि आप हमें बता दें कि इमरान की पसंद है क्या। वो अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, हमारे इमरान को ना एक कार बहुत पसंद है। कौन सी कार हसीना? हाँ कौन सी कार, वो कार का ना हमसे नाम नहीं लिया जाता। वो अभी अभी आई है, वो फॉरेन वाली। हमें पता है, हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है, वही ना जिसमें वो छोटा कुत्ता उस लड़की का मुंह चाटता है। वो गाड़ी शायद 80 लाख की है ना? हाँ ऐसे ही कुछ है, 80-85 की। गर्ल्स प्लीज, अरे अगला नंबर तुम्हारा है, जाओ गो। अरे जाओ प्लीज। अरे तुम जा क्यों नहीं रही हो? पूजा तुम जाओ प्लीज, पास पूजा जाओ। खूबसूरत लग रही हो, फिर तुम रैंप पे क्यों नहीं जा रही? मैं खूबसूरत नहीं, बेवकूफ लग रही हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ। मैंने सोच भी कैसे लिया मैं रैंप पर चल सकती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। यू नो व्हाट, जब थॉट प्रोसेस लंबा हो जाए ना तो डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं। यस, इसलिए अभी सोचना बंद करो। एंड ऐसे क्यों सोच रही हो कि तुम्हें रैंप पर चलना है? तुम ऐसे सोचो ना कि जैसे तुम अपनी गली में से जा रही हो। मैं तो आज तक अपनी गली में भी कभी अकेली नहीं गई हूँ। तो अभी निकलो ना, नॉट अ बिग डील। नहीं कर सकती। अपने आप पे यकीन रखो, तुम कर सकती हो। नहीं कर सकती। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम कर नहीं सकती या तुम करना नहीं चाहती? मैं करना चाहती हूँ, पर सिर्फ एक शख्स के लिए करना चाहती हूँ, और यहाँ वो एक शख्स नहीं सारी दुनिया है।
और इतने सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, इस ख्याल से ही मुझे बहुत डर लगता है। तो तुम उनकी तरफ मत देखना। आई मीन तुम जिस एक शख्स के लिए यहाँ आई हो, तुम सिर्फ उसकी तरफ देखना, बाकियों की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। तुम्हें पता है, अगर तुम किसी चीज को हासिल करना चाहती हो ना, तो उसका एक ही फंडा है, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो और उसे हासिल कर लो। That's it. जी ने सरप्राइज कर दिया ना। तुम जिस एक शख्स के लिए यहाँ आई हो, तुम सिर्फ उसकी तरफ देखना। अगर तुम किसी चीज को हासिल करना चाहती हो ना, तो उसका एक ही फंडा है, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो और उसे हासिल कर लो। पता होता कि आप हमारी बात सुनकर ऐसे चुपचाप हो जाएंगे, तो हम कभी नहीं ये जिक्र करते कि इमरान को वो कार पसंद है। अरे नहीं नहीं हसीना, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दामाद ने एक ही तो चीज मांगी है, अब हम वो भी नहीं दे पाएंगे क्या? क्यों राशिद मियां? हाँ, मैं पता लगाता हूँ हसीना भी। वैसे दुल्हन नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है? कॉलेज गई है, आती ही होगी निखर। पर कॉलेज क्यों गई है भाई? हमें उससे नौकरी थोड़ा करानी है। हसीना भी, हमारे घर की बेटियाँ कॉलेज जाती हैं। हमारे घर की बहुएं नहीं। मेरा मतलब धूप में निकलेगी तो रंग पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत तैयारी करनी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना चकिया था हुबैरा ने। अल्लाह कसम, आज तो हुबैरा बेगम ने कमाल कर दिया। एकदम पोर्टेबल कटरीना लग रही थी। वैसे ना बहुत अच्छा था। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, हमें तो अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। वाह, वैसे नहीं हूं मेरा, आई कहां से? हाँ, कहां से आई? हुमेरा तो वही पुरानी वाली है, अलबत्ता सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर ब्रांड न्यू है, जो हमें उसने दिया। उसने? उसने किसने? कौन है ये रकीब? माय राइवल इन लव। घबराइए मत, वो एक लड़की है। लड़की? उसने मुझसे सिर्फ एक मिनट के लिए बात की और उसी एक मिनट में उसने मुझे बता दिया कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। कौन थी वो लड़की? बाजी मुझे उसका नाम पता नहीं है, वो कैसे दिखते हैं वो भी मुझे नहीं पता, पर वो जो भी थी ना, बहुत कमाल की थी। Thank you.
सगाई से पहले 80 लाख की गाड़ी दे देंगे? वो सब देंगे और उन्हें देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे ना तो मेरे पास एक तुर्क का इक्का भी है जिसे वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इक्का? असद अहमद खान।